अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वक्त की पाबंदी पर उर्दू में ऐसे राइटिंग। वक्त की पाबंदी काम और निज़ाम अवकात के दें मुकम्मल नज़्म ज़ब्त और अज़म की मशक है। इसका मतलब है कि तमाम कामों को एक दुरुस्त टाइम टेबल के मुताबिक करना है बगैर किसी पसपाई के। पसपाई यानी कि शिकस्त खुर्दा। हमारे वालदैन और मुअल्लिमीन हमेशा हमें अपनी तालीम और काम में बाकायदगी से रहने की तरबियत देते हैं। मज़ीद ये कि ये एक बड़ी आदत है जिसका नतीजा बिलाशुबा कामयाबी है। खुद नज़्म व ज़ब्त यानी कि डिसिप्लिन और वक्त की पाबंदी को फ़रोग़ देना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे मुस्तकबिल का तौईन करने वाले अवामिल हैं। अवामिल यानी कि फैक्टर्स। अगर हम लापरवाह हैं यानी कि केयरलेस और कभी भी वक्त पर कुछ नहीं करते हैं तो हम वाकई पीछे रह जाएंगे और मुसीबत और नुकसान में ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए मुस्तकबिल में कामयाबी हासिल करने के लिए वक्त का पाबंद होना ज़रूरी है। वक्त की पाबंदी एक ऐसी चीज़ है जो हमें नज़्म व ज़ब्त का पाबंद बनाती है और हमें माशरे में अपने काम की जगह की पहचान करवाती है। बाकायदगी बजा तौर पर वक्त के इंतज़ाम पर मबनी है। अगर कोई शख्स वक्त का इंतज़ाम और यानी कि अच्छे वक्त की इंतज़ाम और मुज़ाकरात की महारत कर सकता है और इसकी अहमियत के मुताबिक फ़राइज़ को तरजीह दे सकता है तो वो वक्त का पाबंद हो सकता है और कामों को मौसर तरीके से अंजाम दे सकता है। आखिर में फाइनली एक खुशगवार यानी कि प्लेजेंट और सक्सेसफुल लाइफ के लिए मेहनत और वक्त की पाबंदी ज़रूरी है। वो किसी की ज़िंदगी के मतलूबा हदफ को पूरा करने में मदद करती है। ये ना सिर्फ बच्चों बल्कि बड़ों की ज़िंदगियों में भी अहम किरदार अदा करती है। अपने मकासद को हासिल करने और कामयाब होने के लिए वक्त की पाबंदी और सख्त मेहनत करनी चाहिए। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।